सो हाय गाइज, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू फिल्मी तड़का। गाइज, आप लोग को पता है यार, एक मूवी है विक्रम वेदा, ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान की। बहुत टाइम से भाई वो जो है OTT के ऊपर रिलीज नहीं हो रही है। मतलब मान के चल सकते हो लगभग 4 महीने हो चुके हैं उसको थिएटर्स में रिलीज हुए, एंड ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है कि भाई कब ये OTT पे रिलीज होगी, कब हम इसको हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। और भाई जो क्रिएटर्स हैं, जो इसके मेकर्स हैं, वो अभी तक इसको OTT के ऊपर लेके नहीं आ पा रहे हैं। तो यार क्यों ये अभी तक OTT पे नहीं आई है, कब आएगी, कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, चलो आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर बताता हूँ। से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मूवीज एंड सीरीज से रिलेटेड OTT अपडेट्स एंड काफी सारी न्यूज लेके आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, मोटा मोटा जो इसका रीजन है वो ये है कि इसके अंदर है ना, मतलब सबसे पहले तो न्यूज आई थी कि जो वायकॉम 18 वाले जो है, यानी कि वूट ऐप के ऊपर जो है ये जो है रिलीज होने वाली है विक्रम वेदा। एंड उसके बाद यहाँ पे न्यूज आई थी कि भाई Zee5 के ऊपर आएगी, क्योंकि यार इसकी जो ओरिजिनल जो इसकी मूवी है, जो तमिल वाली मूवी है विक्रम वेदा, वो Zee5 के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे यार Zee5 पे आएगी, लेकिन यार असल बात ये है कि भाई ये मूवी है रिलायंस एंटरटेनमेंट वालों की। रिलायंस अभी रिलायंस का कौन सा ऐप है, रिलायंस वालों का है जियो सिनेमा, और ये जो मूवी है ये जियो सिनेमा के ऊपर रिलीज होने वाली थी। एंड अभी है ना, चीज़ कुछ ऐसी है कि भाई ये जो जियो सिनेमा वाले हैं ये थोड़ा सा सस्ता नशा करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी मूवी जाती है तो वो भाई टाइम पे रिलीज़ होती ही नहीं है। सबसे पहले जो रणवीर सिंह की 83 मूवी आई थी उसके साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था, वो बात अलग है, बाद में हमें जाके वो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिली। तो यहाँ पे इन्होंने इसका जो है मजाक बना के रख दिया है। मूवी जो है बहुत टाइम से, मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, लोग भाई अभी इसको भूल चुके हैं, लोग इसको धीरे धीरे भूल रहे हैं, बोल रहे हैं भाई तुम रहने दो हमें नहीं देखनी, क्योंकि यार इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, जियो सिनेमा वालों को इसको रिलीज़ कर देना चाहिए, नहीं तो भाई फिर कुछ फ़ायदा नहीं। बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। सबसे बड़ा रीजन है भाई जियो सिनेमा को मूवी दो ही मत, उसको उसके पास अगर कोई मूवी गई तो भाई फिर उसका वेट करते रह जाओगे कि भाई कब वो OTT पे आएगी, ठीक है। बाकी यार मेरे को लगता है कि जियो सिनेमा वालों को अगर इसको रिलीज़ नहीं करना तो भाई वूट वालों को दे दो, वो रिलीज़ कर देंगे। एंड मतलब काफ़ी सारा टाइम हो चुका है, अभी लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई तो यार लाइक ज़रूर कर देना। एंड बाकी तो यार यही रीज़न था, और ऐसी और ज़्यादा OTT अपडेट्स के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।